क्वेश्चन नंबर 17 है, डायनेमिक लिमिटेड मेक एन इशू 5000 इक्विटी शेयर 100 रुपीज ईच एट प्रीमियम, यानी डायनेमिक लिमिटेड ने इशू करे हैं टोटल 5000 शेयर, 100 रुपीज का एक है, 12.5 रुपए का प्रीमियम है, यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब है 100 प्लस 12.5 12.5 ऑन एप्लीकेशन, और 25 रुपए अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट पे 25 रुपए अलॉटमेंट पे और इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसका मतलब जो अलॉटमेंट है वो 12.5 प्रीमियम और कैपिटल 50 फर्स्ट कॉल पे, 15 सेकंड कॉल, 15 है सेकंड कॉल पे, और 10 ऑन फाइनल कॉल, 10 ऑन फाइनल कॉल। द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट ड्यूली रिसीव एंड एडिशन होल्डर 2500 शेयर 2500 शेयर पे इन फुल ऑन अलॉटमेंट, कहता है एक पर्सन अलॉटमेंट पे था जिसके पास 2500 शेयर होल्डर है ये, और उसने पे इन फुल कर दिया। पे इन फुल का मतलब उसने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया और ये भी दे दिया। होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल, लेकिन यहां पे एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, वो फेल हो गया। कहता है फेल टू पे फर्स्ट कॉल आफ्टर ड्यू ऑन देयर, फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड आफ्टर ड्यू नोटिस देयर शेयर फोरफिटेड, और इसके शेयर फोरफिचर कर लिए गए, यानी आगे के कॉल इससे नहीं मांगे गए। आगे कहता है आर पेड इन फुल एक्सेप्ट द होल्डर 50 शेयर फेल टू पे। अब इस लाइन को ध्यान से देखना, द अमाउंट पेबल ऑन सेकेंड कॉल, जब सेकेंड कॉल का नंबर आया, यानी इसकी बात कर रहे हैं, द अमाउंट पेबल ऑन सेकेंड कॉल मेड आफ्टर द फोरफीचर, कहता फोरफीचर के बाद सेकेंड कॉल मांगा जाएगा, आर पेड फुल एक्सेप्ट द 50 शेयर फेल टू पे, कहता है कि सबके आ गए लेकिन यहां 50 शेयर होल्डर के पैसे नहीं आए। होल्डर ऑफ 50 शेयर फेल टू पे, इसके बाद कहता है 75 ऑफ 100 शेयर फोरफिटेड आर री इशू, और यहीं पे हमने एक री इशू भी मार दिया, जो पिछले 100 शेयर फोरफीचर किए थे ना, इसमें से 75 शेयर री इशू कर दिए। क्रेडिट 90 और 460 पर शेयर, बोलता है आप 90 रुपये दे दो, बदले में हम आपको सर्टिफिकेट देंगे 65 रुपीज का, 90 रुपये दे दो, लेकिन आपको जो इक्विटी शेयर कैपिटल मिलेगा वो मिलेगा 65 का। द न्यू होल्डर पे दीज शेयर इन फुल, और न्यू होल्डर जो था, यानी न्यू होल्डर का मतलब यहां पे न्यू होल्डर कितने आ गए, 75, इसने पे फुल कर दिया। चलो, द बैलेंस 10 पर शेयर बीइंग ट्रीटेड एज अ कॉल्स इन एडवांस, और बैलेंस जो था कॉल्स इन एडवांस में गया, द फाइनल कॉल मीट
फुल इंक्लूडिंग कॉल्स इन एरियर, और फाइनल कॉल पे सारे के सारे पैसे मिल गए और कॉल्स इन एरियर भी मिला मुझे यहाँ पे। फुल इंक्लूड एरियर ऑफ द सेकेंड कॉल, शो द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब देखो क्वेश्चन में सिंपली अगर मैं समझाऊं आपको, तो क्वेश्चन के अंदर जो मेंशन था वो क्या था कि कंपनी ने ओवर सब्सक्राइब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कंपनी ने 5000 शेयर इशू किए, उसके बाद एप्लीकेशन पे 12.5 था, अलॉटमेंट पे 25 इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसके बाद 50, 15 और 10। यहां पे एक होल्डर ऐसा था जिसने के फुल पेमेंट करा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जब पैसा हम रिसीव करेंगे तो ये आगे वाले भी पैसे आ जाएंगे। यहां पे एक शेयर होल्डर है जो कि 100 शेयर देने में फेल हो गया। यहां तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे देखा जाए, यहां पे कॉम्प्लिकेटेड किया इसने। यहां पे एक और अनदर शेयर होल्डर है जो फेल हुआ है सेकंड कॉल पे, कितने शेयर में, 50 में, लेकिन यहां पे हमने रीइशू कर दिए जो शेयर मैंने फोर फीचर किए थे 100 वाले को। 100 में से पूरे 100 रीइशू नहीं किए, 100 में से सिर्फ 75 रीइशू किए मैंने, और जो 75 मैंने यहां पे रीइशू किए इसको भी बोला गया कि भाई आप 90 रुपए दे दो, लेकिन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कितने का, 65 का ही दिया जाएगा। यानी इसको रीइशू यहां किया है, बाकी आपको अभी नहीं दिया जाएगा फिलहाल। लेकिन इस पर्सन ने क्या करा, इसने बोला भाई 75 छोड़ो, मैं पूरे अमाउंट दे देता हूं। इसने पूरे 10 रुपीज एडवांस अगले कॉल को भी दे दिया। अगले कॉल को देने के बाद अब क्या हुआ यहां पे, यानी इसने सारा का सारा पेमेंट इसने आराम से कर दिया। जब हमारा ये कॉल आ गया, आने के बाद यहां पे जब पहुंचे तो एक शेयर होल्डर था 50 शेयर वाला फेल, वो भी पूरा पेमेंट हमें दे गया और इसके अमाउंट को कॉल्स इन एडवांस ट्रीट होगा। यानी जब मैं जर्नल एंट्री करूंगा तब देखना थोड़ा बहुत अच्छे से क्लियरिटी आएगा जो भी है वो सेकंड कॉल पे कहता है। मैं इस लाइन को एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूं। द अमाउंट से द अमाउंट पेबल ऑन सेकंड कॉल मेड आफ्टर फोरफीचर आर पेड इन फुल एक्सेप्ट, सारे पैसे मिल गए, सिर्फ द होल्डर 50 शेयर फेल टू पे 75, 50 शेयर फेल हुआ टू पे। कहता होल्डर ऑफ 50 शेयर फॉल्स टू पे 75 आउट ऑफ 100 फोरफिटेड शेयर रीइशू ऑफ द 100 फोरफिटेड शेयर रीइशू। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, कहता है सारे पैसे मिल गए, सिर्फ 50 शेयर होल्डर जो हो गया वो फेल हो गया टू पे, उसके बाद यहां फुल स्टॉप होना चाहिए, इसके बाद है ये 75 ऑफ द 100 शेयर फोरफिटेड, ये अलग सेंटेंस है। 75 शेयर किस में से, 100 शेयर फोरफिटेड में से आर रीइशूड क्रेडिट विद 90 पेड फॉर 65 पर शेयर। कहता है क्रेडिट विद 90 पेड, आपको 90 रुपीस का पेड अप मिल जाएगा, लेकिन 65 का आपको सिर्फ पेमेंट करना है। यहां पे कुछ अलग था, मैंने यहां पे थोड़ा सा अपोजिट कर दिया। जो ये 75 शेयर रीशू किया गया, बोला गया कि आपको 90 रुपीस का क्रेडिट मिलेगा, आप ओनली पेड कर दो 65, लेकिन ये बोलता भाई 90 का क्रेडिट मिलेगा मुझे, 100 का क्यों नहीं मिलेगा। उसने बोला 10 रुपए हम बाद में मांगेंगे ना फाइनल कॉल पे। ये बोलता है फाइनल कॉल का चक्कर छोड़ो, मैं 10 रुपए एडवांस दे रहा हूं, तो ये पता है कितने दे गया होगा मुझे, 75 दे गया होगा। जैसे ही फाइनल कॉल पे पहुंचे तो पिछला जो था वो भी पैसा हमें देके चला गया। अब एंट्री देखते हैं। एंट्री के अंदर बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट 5000 शेयर इंटू में 12.5, 12.5 कितने आ गया, ये 6500। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, अच्छा हाँ
share application, 2 equity share capital. सिंपल, कोई एडवांस नहीं है इस क्वेश्चन में. इसके बाद अलॉटमेंट की बात करते हैं. शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम. शेयर अलॉटमेंट में 5000 मल्टीप्लाई 25, 1,00,000. इक्विटी शेयर में आ जाएगा 62,000 और इसमें भी आ जाएगा 62,000. ये तो बिल्कुल बेसिक एंट्री है, इसमें किसी को डाउट. इसके बाद अब जो पेमेंट आना स्टार्ट हुआ, यहां से थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया एग्जामिनर ने. बैंक में मेरे पैसे हालांकि आने थे 1,25,000, लेकिन यहां पे कोई फेलियर नहीं एक्स्ट्रा देने वाला है, तो मेरे बैंक में 1,25,000 तो आएंगे ही आएंगे, प्लस एडवांस भी आ जाएगा. और एडवांस कितने का है? 25,000 मल्टीप्लाई बाय, सारे आगे के कॉल कर लो, 50, 65, यानी 75. तो क्या आ गया? 187,500. इसके बाद आएगा आपका 2 शेयर अलॉटमेंट 1,25,000, लेकिन कुछ एडवांस भी तो है. एडवांस को लिखेंगे क्या? कॉल्स इन एडवांस. अमाउंट 25 × 75 करना, 2500 × 75 62,500. अब ये 62,500 सिर्फ फर्स्ट कॉल का एडवांस है या फिर फर्स्ट का भी है, सेकंड का भी है और फाइनल का भी है? तीनों का एडवांस है. ये सिर्फ एक जगह का एडवांस नहीं है हमारा. अगली एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल की. शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. आप मुझे बताओ शेयर फर्स्ट कॉल में, यानी 5000 मल्टीप्लाई बाय कितने से मांगूंगा? 50, तो कितना आ जाएगा हमारा? 2,50,000. लेकिन जब बैंक में पैसा लेने जाएंगे, हाँ जी बताओ क्या अमाउंट है? 2500 को 75 गलत बोल रहे हो. हाँ जी सर, सही से करो. 1 ठीक है ठीक है ठीक है, वो हाँ जी मैंने देख लिया, वो एक बार आप टैली कर लो ठीक से. ये दोनों प्लस किया है, इसको इंटू करके इसको प्लस करके तब ही आया. ये नहीं आ रहा. वन एटी सेवन और 1,25,000 ऐड नहीं हुआ, यानी तो करो इसे ऐड 1,25,000. 3,05,000. ये तो आएगा हमारा सही है 187,500. चलो ठीक है, अब ठीक है. अब बैंक में इधर आ जाओ. कौन से कॉल की एंट्री कर रहा हूं मैं? फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल का मैंने पूरा पैसा मांग लिया, लेकिन फर्स्ट कॉल का मुझे मिलना कितना है ध्यान से देखना. फर्स्ट कॉल का पैसा कितना मिलना है मुझे? हालांकि देखा जाए तो 2,50,000 रुपए मिलना चाहिए, लेकिन इसमें से एडवांस का पैसा नहीं मिलेगा. एडवांस किसका है? 2500. उसका कितना एडवांस होगा? पूरे 1,87,500 रुपए, या फिर 50 × 2,500, यानी यहां पे माइनस कर दूंगा मैं. 50 × 2,500 बताओ क्या आता है? 1,25,000 माइनस जो फेल हो गया. फेल कोई हुआ है? फेल हुआ है कोई?
100 शेयर होल्डर फेल हो गया, इसका मतलब 5000। यहां पे आ जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर और आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस। बैंक में पैसा माइनस करके बताओ क्या आ रहा है आपका, 1,20,000। और कॉल्स इन एरियर हो गया हमारा 5000 और ये हो गया 12,000, 1,25,000। ठीक है, टू शेयर फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल आ गया हमारा कितने का, 2,00,000। अब हम आ गए इस कॉल पे, लेकिन इस कॉल पे से आने से पहले क्वेश्चन बोलता है पहले फोरफीचर करो। तो मैं पहले फोरफीचर करूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम पे फेल हुआ है क्या ये? नहीं हुआ प्रीमियम के बाद, तो प्रीमियम का कोई रोल नहीं है। टू शेयर फोरफीचर एंड टू किस पे फेल हुआ, शेयर फर्स्ट कॉल। अब मैं डेबिट कितने से करूंगा, यहीं तक कॉल था, इसके आगे तो इससे मांगा ही नहीं, तो 50 और 25 और 25 प्रीमियम छोड़ दिया मैंने, 50 50 और 25 75। तो ये 75 कितने शेयर होल्डर का करूंगा मैं, 100 मल्टीप्लाई, तो यानी ये आएगा 75। शेयर फोर फीचर में कितना जाएगा, उसने ₹25 दिए हैं सिर्फ, यानी 12.5 ये कैपिटल वाला और 12.5 एप्लीकेशन, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बाकी एरियर रह गया था इसका, वही एरियर देखो यहां भी लिखा हुआ है मैंने। इसके बाद एंट्री किसकी करेंगे, फोर फीचर के बाद रीइशू। और क्वेश्चन में कहता है कि रीइशू नहीं हुआ, पहले कहता है, एक बार मैं फिर दोबारा से फिर क्लियर कर देता हूं, 100 शेयर यहां से पढ़ना आप, होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल ड्यू टू नोटिस देयर फॉरफिटेड द अमाउंट पेबल ऑन सेकंड कॉल मेड आफ्टर फॉरफीचर। इसने ये नहीं बोला कि रीइशू के बाद, जो सेकंड कॉल है पहले वो मांग लो उसके बाद रीइशू कर लेना आप। तो मैं सेकंड कॉल यहां पे मांगने जाता हूं, फर्स्ट कॉल तो हो गया मेरा, ये फर्स्ट कॉल में किसी को डाउट, सेकंड कॉल पहले कॉल कर लेते हैं हम। सेकंड कॉल मैं कॉल करूंगा तो शेयर, सेकंड कॉल अमाउंट कितने का है हमारा, शेयर है हमारा 4900 मल्टीप्लाई 15, बताओ क्या आ गया, 73,500। ये देखो यहां सोचने वाली बात है, मैंने कितना लिया 4900, क्योंकि 100 शेयर हमारा फोरफीचर हो चुका है। अगर मैं पहले रीइशू कर देता तो फिर मेरा सेकंड कॉल जो होता वो पूरे के पूरे 5000 से ही मांगा जाता, ना कि मेरा 4900 से। इसलिए मैंने पहले उसको दोबारा बताया कि पहले आप कॉल कर लो फिर उसको क्या कर लेना, आप रीइशू कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया कि बाद में रीइशू हुआ है। अब बैंक में पैसा रिसीव करते हैं फिर रीइशू इसके बाद करेंगे, बैंक में पैसा रिसीव में करूं तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने पैसे रिसीव कर रहे हैं, 73,500, जिसमें से एडवांस वाला पैसा नहीं आएगा। किसी का एडवांस है, किसका है, ये कंटिन्यू चल रहा है, यानी 2500 मल्टीप्लाई 15,
2500 मल्टीप्लाई 15 37500। और कोई फेल यहां पे हुआ है सेकंड कॉल पे? बिल्कुल, एक ये शेयर होल्डर फेल हो गया 50 शेयर, इसके ही पैसे नहीं आएंगे। तो माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 15। और कोई है? बस, यानी यहां पे टोटल पेमेंट मेरे पास आने वाला है, माइनस करो 73500 माइनस में ये इनटू करके और 50 इनटू में 15, बताओ क्या आता है सब कुछ माइनस करने के बाद? 35250। कॉल सिनेरियर बता सकते हो, कॉल सिनेरियर कितने का आएगा? 750। कॉल्स इन एडवांस भी आएगा क्या? एडवांस बताओ कितने का आएगा? 37500। और टू शेयर सेकंड कॉल कितने का? 73500। अब री इशू करेंगे, अब क्या करेंगे? री इशू। अगर री इशू की बात करूं तो री इशू में क्या कहता है, भाई मैं 75 शेयर ही री इशू करूंगा, सारे नहीं करना चाहता मैं, सिर्फ 75 शेयर री इशू करूंगा, और 75 में भी आप मुझे 65 रुपए दे दो, आपको 90 रुपए का वर्थ मिल जाएगा, यानी पेड 65 रुपए और आपको मैं बेनिफिट जो सर्टिफिकेट दूंगा वो 90 का दूंगा। लेकिन शेयर होल्डर बोलता है बाकी का 10 का नहीं मिलेगा, मिल जाएगा जब 10 रुपए आपसे कॉल किया जाएगा, तो वो बोलता है मैं अभी दे देता हूं, बाद में कॉल करने का झंझट ही खत्म। यानी बैंक के अंदर जो मेरा पैसा आने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक में पता है कितना पैसा आएगा? वैसे तो आएगा हमारे पास 65 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई कितने शेयर इशू किए हैं? 75। बट वो बोलता है भाई मैं सारे पेमेंट दे रहा हूं फुल, तो इसका मतलब ये 65 ना होके अब हो जाएगा 75 का। तो 75 मल्टीप्लाई 75 करो क्या आता है? 5625। अब शेयर फॉरफीचर लॉस कितने का हुआ पता है? नुकसान को डेबिट करते हैं रीइशू के टाइम पे, शेयर फॉरफीचर में लॉस कितने का हुआ? लॉस हम 90 रुपए के बदले 65, यानी आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है 90 रुपए का लेकिन आपसे लिया जा रहा है 65, डिफरेंस देख लो कितने का लॉस हो रहा है। पहले आप देख लो एक बार, 65 रुपीस का आपको नेट वर्थ मिल रहा है लेकिन सॉरी 65 आप पेमेंट कर रहे हो, बदले में नेट वर्थ आपको मिल रहा है 90 रुपए, तो कंपनी का नुकसान, यानी कंपनी 65 लेके 90 का सामान बेच रही है, तो कंपनी का नुकसान कितने का है? 25 का नुकसान है। तो इसका मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर है? 75। ये मेरा लॉस है क्योंकि शेयर को रीइशू जो किया गया है वो किया गया है डिस्काउंट पे, और कितने रुपए के डिस्काउंट पे? सिंपल सा लॉजिक है, 65 रुपए दो और 90 रुपए का सर्टिफिकेट ले जाओ। तो ये बाकी मैंने इसको 75 क्यों किया, मैंने से आपको 65 लेने थे लेकिन आपने 65 नहीं दिए, आपने जानबूझकर 75 दे दिए और बोला कि जो 10 रुपए मुझसे इन फ्यूचर मांगोगे, क्योंकि मैं 90 का सर्टिफिकेट दे चुका हूं तो अब तो यही कॉल मांगूंगा ना मैं आपसे, तो बोला गया जो फ्यूचर में मांगा जाएगा वो मैं नहीं दूंगा, अभी एडवांस दे रहा हूं। तो यहां पे शेयर फॉर फ्यूचर 25 × 75 क्या आ जाएगा? 1 7 5। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सर्टिफिकेट मैंने बोला मैं आपको 90 का ही दूंगा, यानी 90 मल्टीप्लाई बाय 75 अमाउंट 67। और टू कॉल्स इन एडवांस, एडवांस कितने का हो गया? 10 मल्टीप्लाई यानी 750 रुपए। इसके बाद बात करते हैं शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे हुआ क्या, एक पुराना जो फेलियर था वो भी पेमेंट दे गया, लेकिन सबसे पहले फाइनल कॉल मांगेंगे कितने से ये तो देख लें। एक फाइनल कॉल की एंट्री क्या करेंगे, शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल टू
इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? 4900। बताओ कितने आएगा यहां पे फाइनल कॉल पे? 75। 4900 क्योंकि 75 रीइश्यू हो चुका है, मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 49750। और अब बात करते हैं पेमेंट रिसीव करने की। तो पेमेंट रिसीव में हमारे बैंक में पैसा आएगा, लेकिन देखो बैंक में कैसे कैसे पैसा आएगा, हमें मिलना चाहिए था 49750 बट माइनस एडवांस। सबसे पहले तो इसका 2500 इंटू 10 25000 माइनस एडवांस किसका? 75 शेयर वाले का। कितने? 750 प्लस, मल्टीप्लाई कर दिया ना 10 से, प्लस एक बंदा फेलियर था, बोलता भाई अब मैं फेलियर तो था लेकिन अब मैं दे रहा हूं पिछला। तो फेलियर बंदा कौन था? 50 शेयर वाला। 50 शेयर वाला ये भी देके जा रहा है मुझे, यानी पिछला पेमेंट दे रहा है यहां पे आके, तो पिछला कितना दे रहा है? 15 रुपए। तो 50 मल्टीप्लाई 15, ये देखो टोटल पेमेंट ये मिलना चाहिए था मुझे, जिसमें से एडवांस नहीं मिला, एडवांस नहीं मिला, लेकिन एक बंदा मुझे देके जा रहा है पिछला पैसा। अब कहां पे? फाइनल कॉल पे आके। तो पिछला पैसा कितना बाकी था? 50 शेयर होल्डर के बाकी थे, और कितने रुपए बाकी थे हमारे? 15 के हिसाब से। अब इसे सॉल्व करके बताओ क्या आता है? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर और 2 शेयर फाइनल कॉल। बताओ क्या आ गया? माइनस करो, ये 750 750 1500 माइनस करो जल्दी जल्दी बताओ। बैंक में 24750। अब देखो ये आ गया कॉल्स इन एडवांस कितना है, ये वाला 25 और 7.5 75 वाले का। अब कॉल्स इन एरियर रिसीव कर रहे हो ना आप, 2 शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में पता है कितने पैसे आएंगे? 49, लेकिन आपने कॉल्स इन एरियर रिसीव कर लिया तो कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होगा अब, और कितने अमाउंट से? 750। यानी जब हमारा कॉल्स इन एडवांस रिसीव होता है तब तो क्रेडिट होता है, लेकिन जब कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? डेबिट। क्योंकि हर बार क्या हो रहा है? ये एडजस्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एडजस्ट हो रहा है, बट यहाँ पे रिसीव कहाँ हुआ था इसका? अलॉटमेंट के टाइम पे। तो अलॉटमेंट के टाइम पे देखो कॉल्स इन एडवांस क्या हुआ था? क्रेडिट। सेम ऐसे यहाँ पे भी देखो कॉल्स इन एडवांस क्या हुआ? क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे क्या है? रिसीव, यहाँ एडजस्ट। कॉल्स इन एरियर जब रिसीव नहीं होता तो क्या होता है हमारा? डेबिट। जैसे यहाँ पे कोई बंदा फेल हुआ, कॉल्स इन एरियर। यहाँ पे कोई बंदा फेल हुआ अगर, तो कॉल्स इन एरियर। लेकिन वही कॉल्स इन एरियर जब हम रिसीव कर लें तो वो क्या हो जाता है? क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे इसलिए कॉल्स इन एरियर, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें कहीं भी कॉल्स इन एरियर क्रेडिट नहीं किया था, तो इस क्वेश्चन में देखो कॉल्स इन एरियर क्या कर रखा है मैंने? क्रेडिट में शो कर दिया। तो इसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रखा था इसने सेकंड कॉल। बाकी ऑल दो देखा जाए तो इसमें प्रोराटा बेसिस भी नहीं है, ना ओवर सब्सक्राइब का कॉन्सेप्ट है, ना कुछ, बस कुछ फेल की एंट्री वहां कंफ्यूज किया हुआ है इसने। नोट करिए एक बार आप।